कचरे में आपका हगीज सब कुछ एक ही में और कचरे वाले को दे देते हैं हम लोग, भैया ले जाओ अपना, और वो कचरा वाला भी क्या करता है अपने काम का सामान निकाल के कहीं फेंक देता है। मैं कंप्लीट करता हूं उसके बाद क्वेश्चन। उसके बाद में जो भी गौ पालता है वो भी बहुत स्वार्थी हो गया हमारे भारत में, उसको दूध से मतलब है, गाय से मतलब है, वो गाय का दूध लिया अपना सेगा हो गया और गाय को छोड़ दिया, और जो बाहर डंपिंग में पड़ा होगा जो मिक्स वेस्ट होगा जिसमें आपका कांच भी होगा जिसमें पॉलोथिन भी होगी, मैं काफी जगह भ्रमण करता हूँ अलग अलग गौशाला में, तो पता चलता है डॉक्टर बताता है कि हमारे यहाँ पे 2000-3000 गाय है और वो सब गाय दूध देना बंद कर दिया, कुछ बीमार है, कारण उनके पेट में पॉलोथिन भरी पड़ी है 20-25 की, उन गाय के ऑपरेशन हो गए, और कहते हैं हम लोग गौ हमारी माता है, या तो गाय को माता कहना बंद कर दीजिए नहीं तो अपने कचरे को गीला सूखा अलग अलग करके रखना शुरू कर दीजिए। हम लोग अगली बात पे आते हैं सूखा, ये तो गीले का हमारा निष्पादन हो गया, किसका डीकम्पोस्ट करना है अलग से खाद बनेगी बाकी कचरे में नहीं मिलेगा। सूखा आपका टेक्निक कर लीजिए, सारा सामान सूखा बिकता है पैसा देके जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्लास्टिक की बॉटल जब तक इसमें पानी है हम लोग पीते हैं अपने इसको, पानी की बॉटल पीने के बाद हम सोचते हैं बेकार हो गई, हम लोग इसको कहीं फेंक देते हैं। कुछ लोग आजकल बच्चे स्कूल्स में सीख रहे हैं अलग अलग जगह इसकी इको ब्रिक्स भी बनाने लगे हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक से इसको भरा जाता है, इको ब्रिक्स बनाई जाती है और काफी स्कूल्स टेबल्स इस टाइप से बनते हैं घर के अंदर। तो अपन क्या करते हैं, गाड़ी ले गए पानी पिया, पानी पी के बाद शीशा नीचे और ये बाहर, जगह नहीं है इसको रखने के लिए क्योंकि पानी था तब तक तो इसकी वैल्यू थी, जब पानी खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू हमारी खत्म हो गई। फिर आप देखिएगा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, हम तो वी आर ऑल एजुकेटेड, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो अपने सुबह सुबह 4 बजे उठता है, झोला अपने ऊपर टांगता है और निकल जाता है चुनने के लिए ऐसी बॉटल, क्योंकि इसका रेट मार्केट में 36 रुपीज केजी बिकती है। हर वो चीज़ की एक कॉस्ट होती है, वैल्यू होती है, जो मार्केट में रिसाइकल हो वो सब बिकता है, पेपर प्लास्टिक जूता चप्पल कांच सब बिकता है। आप सॉर्टिंग करके रखिए, कबाड़ी वाले को बुलाइए, स्क्रैपियर को बुलाइए, वो आपके यहाँ आएगा तौल के ले जाएगा, आपको पैसा देके जाएगा आपके सूखे कचरे का, लेकिन एक एक किलो नहीं वो क्वांटिटी में होना चाहिए। आपका जो अरिहंत है ये अपने यहाँ एक सिस्टम डेवलप करे, जहाँ भी स्पेस अवेलेबल हो वहाँ पे 5 से 6 कैटेगरी बना लीजिए, जिसमें एक में बॉटल, एक में प्लास्टिक, एक में लोहा, एक में जूते, एक में कपड़े, और वो वापस कर। आपके यहाँ एक इंसिनरेटर होना चाहिए एज बल्क वेस्ट जनरेटर, जो भी अपना बायोमेडिकल वेस्ट है उसको आप अपने पेपर में फोल्ड करके अलग से दीजिए, न्यूज पेपर में उसको फोल्ड करके बोल दीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों की हगीज हो सकती है, गंदा ब्लड हो सकता है, वो उसको इन्फेक्ट ना लगे। हम लोग इंदौर में काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, इंदौर में भी खत्ते हैं अलग अलग रेटिकल्स हैं, तो हम लोग बातें करते हैं चर्चा करते हैं, तो आए दिन मैं गांव में गया, वहां पे आए थे 2 बच्चे बीमार रहने लगे, उनकी उम्र थी 18 और 16 साल का, बच्चे 2 बच्चे थे 16 और 18 साल के, आई थी बीमार रहने लगे, तो लगा इनको कुछ करना चाहिए, तो उनका ब्लड टेस्ट कराया, पहले डॉक्टर को दिखाया, फर्स्ट एड कुछ खांसी बुखार की दवाइयां थी लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए, फिर उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया इनको आप ब्लड टेस्ट कराइए कि देखें कि इनको किस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको ब्लड टेस्ट कराया, कुड यू बिलीव इट, उन दोनों बच्चों को HIV पॉजिटिव था, उनकी उम्र 16 और 18 साल, उन्होंने जीवन में कभी भी कुछ शारीरिक संबंध नहीं किया तब भी उनको था, क्योंकि किसी का ब्लेड सिरिंज को टच किया उनके